ये है बिरला धर्मशाला जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, और ये सामने से जो है कुछ इस तरह दिखता है। अगर आप यहाँ पर रूम लेना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में भी आपको पहले जानकारी दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि ये है कैसा। और इसका जो भोजनालय है वो सामने जो आप सिया चूल्हा है यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। और ये सामने से इसका जो फ्रंट गेट है वो ये है, लेकिन ये इस समय बंद है। और ठीक ये जो सामने आप देख रहे हैं वो सुग्रीव किला है, सुग्रीव किला की यहाँ पे पार्किंग है, और ठीक उसी के सामने ये बिरला धर्मशाला है। तो अगर आप कभी भी आना चाहते हैं, यहाँ रुकना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर के रुक सकते हैं। और भोजन के लिए आप जो है वो मैं आपको उसका रेट भी बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि अगर आप लोग कभी भी भोजन करना चाहते हैं यहाँ पर रुक करके तो आपको उचित मूल्य पर आपको ठीक भोजन मिल सके। तो कभी भी अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर एक ऑप्शन है, और यहाँ पर आकर के आप एक दिन का स्टे कर सकते हैं। जो चेक इन टाइम है वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन चेकआउट जो है वो सुबह 10 बजे का है। और बाकी यहाँ से जो है दिखा देता हूँ मैं आपको, इस तरह के छोटे से पार्क हैं ग्रीनरी टाइप के, यहाँ पर आदमी आकर के विश्राम करते हैं, और विश्राम के साथ साथ जो मैंने आपको बताया था श्री वृंदावन धाम के ठीक अपोजिट। और ये जो सामने आप देख रहे हैं वो पार्किंग स्थल है, ये आप जब भी आएंगे तो सुग्रीव जो किला है उसी के ठीक सामने ये आपका बिरला धर्मशाला है। तो रुकने के लिए काफी सही जगह है, अभी तक हालांकि मैं यहाँ पर रुका नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप आते हैं, अगर आपको कहीं पर जगह नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर आकर के स्टे कर सकते हैं। और जो एक दिन का है वो मिनिमम से मिनिमम 500 रुपये है। यहाँ पर तीन तरह के विकल्प है, पहला है सीलिंग फैन का, जो सीलिंग फैन है वो आपको 500 रुपये का है, और एसी जो है वो 900 रुपये का है, और कूलर में अगर आप लेते हैं तो वो आपको 600 रुपये का लगभग आपको मिलेगा। कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, कोई रिजर्व नहीं करते रूम, जो पहले आता है उसे मिलता है रूम। और अगर कभी भी अगर आप आते हैं अयोध्या में तो अयोध्या में आकर के आप यहाँ पर जो है वो स्टे कर सकते हैं कम बजट में। अगर आपका 500 रुपये का बजट है तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और घूमने के लिए भी आपके पास काफ़ी अच्छे यहाँ पे विकल्प हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं जहाँ पर ये एक से लाउड स्पीकर लगा है उसी के ठीक सामने, ये आपका हनुमानगढ़ी मंदिर है, जो हनुमान जी का मंदिर है। और ये आपका जो है वो सुग्रीव किला है। तो जो भी है नज़दीक में क्षेत्र हैं वो सारे क्षेत्र यहीं पर हैं, आपके लिए एक सबसे अच्छा विकल्प है। आइए, और अगर रुकना है फैमिली के साथ तो आप यहाँ पर एक दिन स्टे करें। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ बिरला धर्मशाला का जो कमरा है उससे दिखाता हूँ। और सामने जो आप ये देख रहे हैं ये इनका एक कॉरिडोर है, यहाँ पर कई सारे जो है वो कमरे हैं, और कमरे के साथ साथ यहाँ का वो जो कमरा 500 का है, 500 रुपये का है, उसके बारे में जानकारी दूंगा, और साथ ही साथ आपको कमरा भी दिखाऊंगा कि कैसा है। तो चलिए कमरा देखते हैं और आगे की जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए आप लोगों के बनाया गया है, ये एक्स्ट्रा आप मैट्रेस ले सकते हैं, और इधर जो है वो है, और ठीक सामने जो है ये आपका सुग्रीव किला है, दिखा देता हूँ मैं, ये आपका सुग्रीव किला है। और जो सामने आप देख रहे हैं बड़ा सा मंदिर है उसी के ठीक पीछे की ओर आपका जो है अमावा मंदिर है, और इनका जो परिसर है वो भी मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये है कमरा जो कि 500 रुपये का आपको कमरा मिलेगा, ये बिरला धर्मशाला है, और ये ठीक है सुग्रीव किला जो है उसी के सामने है। और यहाँ पर खाने के साथ साथ आपको रहने की व्यवस्था मिलती है, ये यहाँ का वॉशरूम है, वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप दो तीन लोग रहते हैं तो आप यहाँ पर आकर के मैनेज कर सकते हैं। और ये फैन है, सिर्फ सीलिंग फैन है, इनके यहाँ पर नॉन एसी, एसी और कूलर के साथ जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी कमरे मिलते हैं। तो अगर आप इनमें चाहते हैं और भी मैं आप लोगों को इसकी जानकारी दूँ तो
आगे मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है जानकारी दूँ। अभी मैं पूछता हूँ कि नॉन एसी और एसी का कितना होगा, क्योंकि ये तो फैन है, सीलिंग फैन का है, तो सीलिंग फैन में जो है वो 500 रुपये इन्होंने बताया है। और अभी मैं लाइट जला करके आपको दिखा देता हूँ। तो सीलिंग फैन का ये है कमरा, आप जैसा कि देख रहे हैं कमरा ठीक है, बट ओके आप कह सकते हैं, बट इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये पीछे इधर वेंटिलेशन के लिए भी है पूरा, ताकि आपको गर्मी ना लगे। और ठीक है, ये है कंडीशन कमरे की, ये बार आप देख लें। तो 500 रुपये में मेरे हिसाब से बस 500 रुपये में आपको यही मिल पाएगा। और सुब्रियो किला के ठीक सामने, और यहाँ से आपको जो है अमावा मंदिर और जो राम जन्मभूमि है ठीक, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी जो है वो बिल्कुल नज़दीक में है। तो ये जो इस तरह के कमरे हैं वो आपको 500 में मिलेंगे। और मैं इसे बाहर से दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है।